पूरा भरोसा है कि कितना डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पूरा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक कोशिश करने की तैयारी थी बिना लोगों को बताए। 35-35 करोड़ रुपए का दो ब्लैंक चेक उन्हीं कंपनियों का, ये वही कंपनियों का चेक है जिन कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को रात के 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था। बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का बिना किसी डेट के, दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। ये चेक यहाँ पर भी है, इसका हार्ड कॉपी हमारे पास है, इसका डिटेल आपके साथ शेयर करें। उनमें से 8 कंपनियां विदेशी हैं। आप इस मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा नेक्सस। और इसीलिए जब मैं विदेश यात्राओं के डिटेल बोलता हूँ कि राघव चड्ढा कहाँ गए, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने डिटेल दें किस किस देश में गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि आशीष खेतान कहाँ गए, दुर्गेश पाठक कहाँ गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। आज ये समझ में आ रहा है इस देश को कि ये किस प्रकार का एक काला धंधा चल रहा है, पैसा छुपाया जा रहा है। तुम्हारे ये सारी 11 कंपनियों ने, इनके डायरेक्टर 4, इन 4 डायरेक्टर आशीष सक्सेना, सौरव रस्तोगी, अमित कुमार सक्सेना और मुकेश कुमार, चारों का एक ही एड्रेस है, A22 ग्राउंड फ्लोर, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। चारों डायरेक्टर का एक ही एड्रेस है। इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, ये अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने फर्जी पैसा रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भेजा। नेक्स्ट स्लाइड। सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45,74,06,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9,42,25,475 रुपया, यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया था। हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, आप ही लोगों ने पैसा दिया था, आप ही लोगों ने वोट दिए थे। हमने किसी भी आदमी से, चोरी छुपे किसी बड़े आदमी से कोई पैसा नहीं लिया, जो पैसा लिया सारा वेबसाइट पे डाल दिया। अगर किसी से गलत पैसा लेते तो सरकार बनने के बाद उसका एहसान चुकाना पड़ता। हमने किसी से गलत पैसा नहीं लिया। खेल कर रहे थे माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया, वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूँ, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा पूरा हवाला कार काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं।